टिकट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यक नबदु यक नस्ताइन लाखों करोड़ों दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। ये खड़े होने के लिए जगह बना रहे हैं क्योंकि कद से ऊपर हो गया, तो कद से ऊपर जब हो जाए तो इस तरह ये टेक लगा के इसके ऊपर अभी वो फट्टे टाइप जो होते हैं स्पोर्ट्स वो लगाएंगे, फिर खड़े होकर इसके ऊपर दीवार के ऊपर इंडे लगाएंगे। आउट ऑफ कंट्री फोर्डिंग वगैरह यूज करते हैं लेकिन पाकिस्तान में ये ऐसे इसके ऊपर अभी काम करेंगे खड़े होकर, ये कंप्लीट कर रहे हैं वहां तक। मालिक में पहले पिलर बना जाते हैं, पिलर बना के फिर छत जो है वो उसका लेंटर जाता है और दीवारें में बाद में बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में दीवारें पहले बनाई जाती हैं फिर शटरिंग होगी फिर लेंटर डाला जाएगा, तो पाकिस्तान डिफरेंट है। तो दूसरे मालिक में ब्लॉक यूज़ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, यानी 1.5 फुट का होगा और उसकी चढ़ाई होगी, तो पाकिस्तान में ये छोटे छोटे ब्लॉक ईंटें जो हैं वो यूज़ होती हैं डाल के तौर पर, ये तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको लगाते लगाते, लग रही हैं हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, तो दीवारें कंप्लीट हो गई हैं थोड़ा हाल और उसकी तो दो तीन दीवारें रह गई हैं, फिर इसके ऊपर डाला जाएगा लेंटर। ईंटें पुरानी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पहले ईंटें थी वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर वाले रूम हैं उनमें नई ईंटें यूज़ की हैं, तो पुरानी जो थी वो अच्छी वाली थी तो वो यूज़ कर ली। लेंटर के बाद इसको प्लास्टर किया जाएगा उर्दू में। अदर कंट्रीज में थोड़ा एडवांस काम होता है, उनकी जो शटरिंग है वो भी वो होती है एडवांस किस्म की होती है, तो पाकिस्तान में शटरिंग भी वो लकड़ी की होगी, लकड़ी की जो है वो शटरिंग बनाई है उसका शटरिंग की जाती है, फिर प्लास्टिक लाया जाता है, फिर स्टील का काम होता है, फिर लेंटर चला जाता है। तो आउट ऑफ कंट्री यही होता है कि शटरिंग उनकी होती है, वो बना बनाया जाल होता है वो डालते हैं छतों पर बीम वगैरह, तो ये काम पाकिस्तान में हर काम जो है वो छत के ऊपर ही होगा, बीम भी ऊपर डालेगा, प्लास्टिक डाला जाएगा, ईंटें रखी जाएंगी फिर लेंटर डाला जाएगा। आउट ऑफ कंट्री नहीं है, पंप के साथ वो कंक्रीट डालते हैं, शायद जानते हो जो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो शटरिंग यहाँ लकड़ी की होगी। दीवारें तो कम्प्लीट हो लें शटरिंग भी कर लेंगे। एक नॉर्मल मिस्त्री एक दिन में 1500 या 2000 ईंट लगा लेता है, ये छोटे वाले ब्लॉक आसानी से लग जाते हैं, लेकिन अभी वो फोल्डिंग बना रहे हैं देसी तरीके से, उसके ऊपर काम मुश्किल होता है क्योंकि ईंट पकड़ना फिर रखना और फिर उसके चलना वो मुश्किल होता है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो एक दिन में तकरीबन 1000 लगाएंगे, 1000 लगा लें तो उनकी बहादुरी है, तो थोड़ा मुश्किल काम है फोल्डिंग पे, देसी फोल्डिंग पे चलना थोड़ा मुश्किल है, तो बाकी कर रहे हैं काम अभी। अभी मैं किचन में खड़ा हूँ,
किचन की दीवारें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इस साइड रह गई है क्योंकि वो हॉल की दीवार कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर इधर आएंगे, फिर मुकम्मल को शटरिंग की जाएगी, फिर लेंटर डाला जाएगा। देसी फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो काफ़ी लंबी लंबी इन्होंने बना ली है, तो इसके ऊपर काम करना और भी मुश्किल होगा। दो बंदे हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगे और तकरीबन ये 40 फुट का फासला है जो इन्होंने करना है, तो इसके ऊपर ये 500 भी लगा लें एक दिन में तो काफ़ी है। खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता है और काम करना तो और ही मुश्किल होगा, क्योंकि ईंटें भी ऊपर ही होती हैं और मसाला भी ऊपर होता है, मिस्त्री ने ऊपर भी काम करना है। ये हमारा मज़दूर देखें काम के टाइम पर, ये भैंस का बच्चा रेस्टिंग मोड पे है। ये था मेरा अभी का व्लॉग, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। दो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने के बारे में ढूंढिए। अल्लाह हाफिज़।